पुराने वॉलपेपर से थक गए अपने पीसी में, तो कुछ इस टाइप का 3D वॉलपेपर लगाना है। सिंपल ट्रिक बताने वाला हूँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप ऐसा 3D एनिमेटेड या लाइव वॉलपेपर जिनको कहते हैं, आप उनको लगा सकते हो अपने हिसाब से कस्टमाइज करके, और इसमें आपका एक एक्चुअल जो वीडियो रहता है ना, वो भी ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसा भी आपको एक वॉलपेपर रखना है। ज़रूरी नहीं कि उसके लिए आपके पास कोई वॉलपेपर हो, अगर आपको जैसे आपका कोई वीडियो लगाना है तो आप अपना वीडियो भी लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ जिसे लगा करके। जैसे कि आप देख सकते हो मेरा एक मेरे YouTube का एक है, जैसे कि ये देख सकते हो मेरा अनटेक द बॉक्स चैनल है, तो आप देख सकते हो मैंने ऐसा करके लगा लिया इसको। तो इस तरीके से आप भी लगा सकते हो। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको सबसे पहले अपने PC का, जो मैं पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ इसका, मैंने अपने PC का स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है, और मैं क्या करूँगा पहले कर देता हूँ इसको अनइंस्टॉल, और आपको पूरी सारी प्रोसेस स्टार्टिंग से बता देता हूँ मैं आपको किस तरीके से आपको करना है, कैसे नहीं करना है। तो ये रहा हमारा लाइवली वॉलपेपर, और इसको कर देता हूँ मैं अनइंस्टॉल, फुल्ली अनइंस्टॉल कर देता हूँ मैं इसको। देख सकते हो आप अनइंस्टॉल हो रहा है, सो ये अनइंस्टॉल हो चुका है मेरे पास से, ठीक है ना। और इधर देख सकते हो नॉर्मल वॉलपेपर आ गया है मेरे पास मेरे स्क्रीन पे, ठीक है। मेरा यहाँ से जो है ये इधर से आइकन बता देता हूँ आपको, जैसे कि आप देख सकते हो मेरा इधर पे आइकन भी नहीं दिख रहा है, पहले जहाँ दिख रहा था। मैं अभी विंडो 10 यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे PC में जो है बेसिकली मैं अपने PC का जो एक ऐप स्टोर आता है उसको ओपन कर लूँगा, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का। मैंने ये माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन कर लिया है। फॉर एग्जांपल यदि आप विंडोज 7 यूज़ कर रहे हो, कोई अदर विंडो यूज़ कर रहे हो, आपके उसमें ये ऐप स्टोर तो आएगा नहीं आपके PC के अंदर, तो आपको क्या करना है, गूगल क्रोम ओपन कर लेना। आप कोई भी ब्राउजर यूज़ कर सकते हो, मैं भी गूगल क्रोम यूज़ कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा लाइवली वॉलपेपर। आपको सर्च करना है लाइवली वॉलपेपर, एंड देन यहाँ पर आएगा लाइव वॉलपेपर डाउनलोड सॉफ्टोनी की तरफ से, जो आपको देखने को मिल जाएगा सर। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन होगा, और ये आपको डायरेक्टली सॉफ्टोनी की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर देगा। थोड़ा वेट करने के बाद और थोड़े एड्स को हटाने के बाद ये आपको डायरेक्टली यहाँ पर फ्री डाउनलोड फॉर विंडोज़ दिखा रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन होगा, और ये आपको डायरेक्टली इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर रिडायरेक्ट करेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा वेट करना है, मेरा इंटरनेट अभी स्लो चल रहा है। नीचे आपको बता दूं इधर विंडो 11 और अदर वॉलपेपर सर्च इंजन नहीं है। तो डायरेक्टली वहां पर मुझे उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंचा दिया है। अब थोड़ा सा डाउन करेंगे आप स्क्रॉल डाउन, तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा दो ऑप्शन। पहला ऑप्शन आ रहा है गेट इट फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, एंड दूसरा आ रहा है इंस्टॉलर। तो गेट इट फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट का अर्थ है कि आप डायरेक्टली इसके जो इसका ऐप स्टोर है आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको डायरेक्टली यहां से भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैं इसको डिनाई कर देता हूं और यहां पर इंस्टॉलर पे क्लिक कर देता हूं, इसको मैं डायरेक्टली डाउनलोड कर रहा हूं, क्योंकि होता है किसी किसी के PC में माइक्रोसॉफ्ट स्टोर नहीं होता है, तो यहां से डायरेक्टली इंस्टॉल कर लूंगा मैं इसको यहां पर क्लिक करके। एंड थोड़ा लोड होने के बाद ये आप देख सकते हो यहाँ पर इसको अलाउ कर देना है कीप में क्लिक करके, और ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से डाउनलोड करूँगा। तो मैं क्लिक करूँगा गेट इट फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट पे, और ये डायरेक्टली मुझे उस पर रिडायरेक्ट कर देगा। कुछ देर के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है लाइव। जैसे ही आप लाइव सर्च करेंगे आपको ऑलरेडी सर्च हिस्ट्री में बता देगा आपको, तो लाइवली वॉलपेपर आप इस पर सर्च करेंगे एंड देन इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं ऑलरेडी इसको इंस्टॉल पे लगा दिया था इसको डाउनलोड होने के लिए, तो ये थोड़े टाइम में डाउनलोड हो जाएगा और इंस्टॉल हो जाएगा। देखिए फ़ोन में क्या होता है इसलिए कि आप अगर किसी ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो डायरेक्टली वो इंस्टॉल हो जाता है आपके फ़ोन में डाउनलोड होने के बाद, और आपको कुछ किसी भी प्रकार का इंटरफेस देखने को नहीं मिलता, आप डायरेक्ट जा करके वो ऐप को रन कर सकते हो। तो उसी तरीके से सेम एज इट इज़ इसमें भी होता है, आप जैसे इसको लॉन्च पर क्लिक करोगे डाउनलोड करोगे तो ये ऑलरेडी ओपन हो जाएगा सीधा आपके स्क्रीन पर, और ओपन होने के बाद सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा आपको। पहले ऐप का लोगो देखने को मिलेगा एंड देन ये ऐप ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको कुछ 10-12 वॉलपेपर ऑलरेडी इनसाइड इसमें देखने को मिल जाते हैं। अगर आप अपने हिसाब से कोई भी एक वॉलपेपर कस्टमाइज करना चाहते हो तो आप वो भी इसमें कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है ऐड वॉलपेपर वहाँ से जाके। तो पहले मैं आपको एक वॉलपेपर लगा के दिखा देता हूँ, फॉर एग्जांपल ये मैं फर्स्ट वाला वॉलपेपर लगा के आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करना है एंड देन सेट एज़ वॉलपेपर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर वॉलपेपर ऑलरेडी रन कर जाएगा जिसे देख सकते हो आप, और यहाँ पर मेरा लाइवली वॉलपेपर का आइकन भी दिख रहा है। जैसे कि आपको वॉलपेपर चेंज कैसे करना है उसका भी सिंपल ट्रिक है। देखिए जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे ना, ओपन करने के बाद आपको
आपके पास एक वीडियो होनी चाहिए, और मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाकर रखा है, इसको डेस्कटॉप पे सेट करके रखा है, तो मैं इसको ओपन कर लूँगा चूज़ अ फाइल पर क्लिक करके, एंड देन यहाँ से डेस्कटॉप पे वो फाइल को सिलेक्ट कर लूँगा मैं। इसी नीचे जाऊँगा तो यहाँ पर मुझे वो फाइल देखने को मिल जाएगी, एंड देन ओपन पे क्लिक कर दूँगा। ओपन पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, ये फाइल ऑलरेडी मेरे स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगी, एंड देन ओके करके इसको सेव करना है मुझे। एंड देन आप नीचे देख सकते हो ये लोड हो रही है फाइल, थोड़ा टाइम लेगा ये, लगभग फर्स्ट टाइम तो लगभग 20 से 30 सेकंड ले लेगा आपको। एंड देन इसको जैसे ही होगा ना, आपको इसको जाकर के सेव कर देना है। जैसे बैकग्राउंड में आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा स्क्रीन जो है ब्लिंक करने लगा है, इट मीन्स ये सिलेक्ट हो गई। जैसे आप देख सकते हो ये वॉलपेपर मेरा सेट हो चुका है। इसके बाद आपको इसमें कुछ कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप इसको पोस्ट कर सकते हो, या फिर आप इसमें आपको जैसे इसका कॉन्ट्रास्ट वगैरह, वेब ब्राइटनेस वगैरह, ह्यू वगैरह बढ़ाना है या कम करना है तो आप वो भी कर सकते हो। वॉलपेपर की स्पीड बढ़ाना है या स्पीड घटाना है तो आप वो भी कर सकते हो। तो नॉर्मली मैं यहाँ से देख सकते हो, आप यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, जो आइकन है उस पर क्लिक करना है, राइट क्लिक, एंड देन आप उसमें जा करके देख सकते हो, वहाँ पर बहुत सारे कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। सो मैं यहाँ से कुछ भी नहीं, नॉर्मल जैसा था वैसा ही रहने देता हूँ, एंड देन पहले इसको प्ले कर देता हूँ। एक बार मैंने इसको पोस्ट कर दिया था, इसको प्ले करने के बाद मैं यहाँ पर आपको इसकी स्पीड बढ़ा करके बताऊँगा। तो इधर क्लिक करना है, राइट लेफ्ट क्लिक, एंड देन स्पीड एडजस्टमेंट पे जाना है, एंड देन यहाँ से आप इसकी स्पीड कर सकते हो। तो देख सकते हो किस तरीके से इसकी स्पीड बढ़ चुकी है। तो सेम इसी ट्रिक को और इसी मेथड को फॉलो करके आप इस तरीके का वॉलपेपर लगा सकते हो। आप अपना खुद का कस्टमाइजेशन वॉलपेपर भी लगा सकते हो। बैकग्राउंड में मेरे लाइव वॉलपेपर चल रहा है यहाँ पे, तो इस तरीके से आप अपने कस्टमाइज वॉलपेपर भी ऐड कर सकते हो, या फिर आपको ऐप के अंदर भी कुछ 8-10 वॉलपेपर देखने को मिल जाते हैं। और अगर वॉलपेपर चाहिए तो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर भी चेकआउट कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगे ना, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हमारा चैनल काफी तेजी से ग्रो हो रहा है, तो बस सपोर्ट करो और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, ठीक है? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।